जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्योटो पहुंचकर उनका स्वागत किया और इसके बाद दोनों नेताओं ने तमाम औपचारिकताओं से परे हटकर मछलियों को दाना खिलाते हुए गुफ्तगू की। इसके बाद दोनों पैगोडा भी गए। यह एक अलग तरह की डिप्लोमेसी थी, एक नया अंदाज था जो पहले कम ही नजर आया है। एक कदम आगे बढ़ नेताओं से दोस्ती गांठने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज हिट रहा। लगभग हर दौरे पर उन्होंने न सिर्फ दो देशों के संबंधों को मजबूती देने पर काम किया बल्कि उन देशों के नेताओं के साथ बिना किसी औपचारिकता के एक दोस्त की तरह तमाम मुद्दों पर बात की। चीन के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो उसी अंदाज से मोदी ने उनका स्वागत किया। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे टहलते हुए दोनों नेता बात करते रहे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने शहर सियान में उनका स्वागत किया और दोनों ही नेता वाइल्ड गुज पैगोडा के प्रांगण में साथ साथ घूमे और चर्चा की। चीन के प्रधानमंत्री ली किचियांग के साथ उनकी सेल्फी को तो मोस्ट पावरफुल सेल्फी बताया गया। इसी अंदाज को बरकरार रखते हुए अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर पहुंचे और फिर जब राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, उनके साथ चाय की चुस्कियां ली और बातचीत की। दो देशों के रिश्तों में गर्माहट लाने का यह अंदाज बिल्कुल ही नया था। पीएम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो टोनी एबॉट के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सेल्फी ली। फ्रांस पहुंचे तो सीन नदी में नाव पर चर्चा की। जर्मनी पहुंचे तो चांसलर एंजेला मर्केल के साथ हनोवर के व्यापार मेले में घूमे। कनाडा पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर जैसे हर पल प्रधानमंत्री के साथ ही रहे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि प्रधानमंत्री का यह अंदाज भारतीय विदेश नीति को क्या दिशा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।